दोनों साइड पे आपने ये स्क्रब को अच्छे से अप्लाई करना है। 99% तक क्लीन हो जाएंगे अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट। हाइपर पिगमेंटेशन ऑन अंडर आर्म्स और पिगमेंटेशन ऑन आपके प्राइवेट पार्ट का कारण क्या है? सबसे पहला कारण, हम टाइट कपड़े पहनते हैं। आपको एटलीस्ट रात को तो लूज कपड़े पहनने ही पहनने हैं। सेकंड होता है, अगर हम कोई भी हेयर रिमूवर लगा रहे हैं उससे भी हमारे अंडर आर्म्स और हमारा प्राइवेट पार्ट ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो मैंने फील किया है वो है विटामिन B3 की कमी से भी बहुत ही ज्यादा ना आपके ब्लैक अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। चौथा जो मेन है कि आपका खान पान, आपकी डाइट सही नहीं है, या तो आपका हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो रहा है, मे बी उस वजह से भी ये कारण हो सकते हैं आपके अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट का ब्लैक होने का। चलिए बताती हूँ मैं आपको दो स्टेप में कैसे ठीक करा जाए, और आपको ये दो स्टेप आप डेली चाहें डेली भी कर सकते हैं। मैंने 10 दिन कंटिन्यू करा था, उसके बाद अब मैं वीक में 2 या 3 बार जरूर करती हूँ। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अंडर आर्म्स, आपका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कम से कम इरेजर का यूज कीजिए, क्योंकि इरेजर से भी मैंने देखा है ब्लैक स्पॉट्स बनते ही हैं। और वीट वगैरह जितनी भी है आप कम यूज कीजिए, बहुत आपको इमरजेंसी है तब कीजिए। तो मैंने भी 10 दिन 12 दिन हो गए हैं, मैंने भी अंडर आर्म्स वैक्सिंग नहीं कराई है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये ग्रोथ अभी, ये देखिए ठीक है। और ये पूरा ब्लैक स्पॉट था जो आज इतना सही लग रहा है मुझे, धब्बे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैं इस पे पाउडर लगाऊंगी, मैं इस पे वैक्सिंग ही करती हूँ। तो मेरा ये रोल ऑन वैक्सिंग है, तो रीका का भी आता है, O3 का भी आता है। तो आपने सबसे पहले वैक्सिंग को अप्लाई कर लेना है। कुछ रोल ऑन ही वैक्स करती हूँ, आप चाहें तो आजकल तो कटोरी वैक्स भी आती है, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। स्ट्रिप लेंगे। अच्छा, अब मैंने लगाया है, जैसे मेरे बालों की ग्रोथ थी ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग लगा लिया। जैसे बाल ऐसे उग रहे थे, नीचे को आ रहे थे, तो मैंने उस वे में लगाया है। खींचना आपको बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है, लाइक ये देखिए, देख रहे हैं बाल, इस तरह से आपने अंडर आर्म्स क्लीन कर लेने हैं। अच्छे से आपने क्लीन कर लेना, मेरे दोनों अंडर आर्म्स क्लीन हो गए हैं। इस वैक्स के बाद ना पानी से क्लीन नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कोई भी ऑयल लीजिए, मैं कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ, या कोई भी आपके घर में ऑयल है आप वो ऑयल लगाइए, तो चिपचिपाहट जो हो रही है ना वो एकदम से ठीक हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्क्रब, यानी हमने एक्सफोलिएट करना है आपकी स्किन को। मैंने लिया है ब्राउन शुगर, आप चाहे चीनी भी ले सकते हैं, चीनी को आपने थोड़ा सा ना दरदरा पीस लेना है। तो ये तो मेरे पास ब्राउन शुगर थी, आप शक्कर भी ले सकते हैं। आपको पता ही है चीनी जो है वो गन्ने के रस से बनती है, और गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है जो पिगमेंटेशन पे गजब का वर्क करता है। तो सबसे पहला हम लेंगे 1/2 चम्मच के करीब ब्राउन शुगर। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम लेंगे फिटकरी। फिटकरी में ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको पता ही है, बट इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी यानी स्किन को ब्लीच कर देगा, और आपको पता है इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि जो पोर्स होते हैं ना उसको भी मिनिमाइज करेगा। तो जो आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, कईयों को बहुत ज्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये दूर भगाएगा। थोड़ी सी फिटकरी हमने लेनी है 2 चुटकी। तो मैं इस तरह से ना फिटकरी पाउडर पीस के थोड़ा सा रख लेती हूँ, और ये हम डाल देंगे फिटकरी पाउडर, यानी ब्राउन शुगर और फिटकरी पाउडर। लास्ट इंग्रेडिएंट मैं लूंगी इसके अंदर कस्तूरी हल्दी। आप चाहें तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं, पर किचन वाली हल्दी ना आपने 2 पिंच यानी 2 चुटकी ही लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा येलो करेगा बट गजब का वर्क करता है वो भी। आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली लीजिए, इससे भी ना बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन ठीक होती है। कोई आपको एलर्जी है वो भी ठीक होती है, मतलब इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, सबको ही पता है, और ये पुराने जमाने में भी बहुत यूज होती थी। तो 1/2 चम्मच मैंने लिए कस्तूरी हल्दी, इसमें कस्तूरी हल्दी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं इन तीनों चीजों को मिलाना कैसे है। अब आपको पता है जब भी आपके फेस पे अगर पिगमेंटेशन है, या कहीं भी आपके काले स्पॉट्स हैं, फ्रिकल्स हैं, तो आपको ना
दही या दूध, ये दो चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक करना है। जैसे आपके घर में भी दूध आता है ना, कच्चा दूध आए आप लो, फटाफट से अपनी स्किन पे जरूर लगाओ। मैं तो डेली लगाती हूँ, डेली जब भी भैया आते हैं थोड़ा सा दूध लेती हूँ और डेली अपनी स्किन पे लगाती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ। तो आपको भी इसको दही या दूध के साथ घोलना है। दूध है तो कच्चा डालिए, नहीं तो आप दही डाल सकते हैं। तो मैं आज इसमें दही डालू, एक चम्मच के करीब इसमें मैंने दही डाल दिया है और अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। हमने स्क्रब बनाया है, बहुत ही मैजिकल है, इसको आपने अच्छे से अप्लाई करना है। मसाज देंगे अच्छे से और दोनों साइड पे मैं करूंगी, क्योंकि एक अंडर आर्म क्यों मेरा काला रह जाए। तो दोनों साइड पे आपने ये स्क्रब को अच्छे से अप्लाई करना है और सेम प्रोसेस आपने अपने बिकनी एरिया पे भी करना है गाइस। उसको भी आपने अवॉइड नहीं करना, वो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, उसको भी आप बिल्कुल क्लीन हाइजीनिक रखा कीजिए। मेरे को 5 मिनट हो गए हैं लगाए और अब तो वीडियो बन रहा है तो मैं उठ के नहीं जा सकती। आप ना इसको वॉश कर लेना पानी के साथ, तो आपके सामने रिजल्ट है, कोई एडिटिंग नहीं है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो इस तरह से आपने दोनों अंडर आर्म्स कुछ इस तरह से देखिए क्लीन करने हैं। पहले देखते और अब देखिए। सेकेंड स्टेप के लिए लेंगे ये डंडी, क्या आप इस डंडी को पहचानते हैं, क्या है ये? ये है मुलेठी, मुलेठी स्टिक कहा जाता है इसको। मुलेठी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन हो, अनइवन स्किन हो, फ्रिकल्स हो गए हो, उस पर ये गजब का काम करता है। और एक रिसर्च में तो ये पाया गया था कि इसको डेली यूज करने से स्किन एकदम से ग्लास की तरह शाइन करती है। तो मुलेठी का आपने अच्छे से इसको कूट लीजिए, कूटने के बाद आपने मिक्सर ग्राइंडर में डालना है, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में डायरेक्ट मत डालना, खराब हो जाएगा, मम्मी मारेगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इसका पाउडर बना लेना है जैसे मैंने आपको बताया, और आधा चम्मच लेंगे सेकेंड स्टेप के लिए मुलेठी पाउडर, आधा चम्मच के करीब मुलेठी पाउडर। ये पत्थर कौन सा है? बहुत बच्चे, बहुत लोग, पुराने जमाने के लोग इसी से नहाते थे। मेरा बचपन इसी से नहा नहा के साफ हुआ है मेरा चेहरा। मैंने बहुत यूज करी थी मुल्तानी मिट्टी, जिसको चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है, मेरी बहुत फेवरेट है। ड्राई स्किन वाले इसको अवॉइड करते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आप इसको आप दूध या दही के साथ मिला के लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। मेरा ये फेवरेट, मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, फ्रेश मुल्तानी मिट्टी। मैं कुछ इतना सा टुकड़ा लूंगी और इसके अंदर डाल देंगे। इसका चूरा भी मिलता है, आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर इसके अंदर ना मैंने ऐड करना है गुलाब जल। देखो बिल्कुल लाइव बन रही है, तो गुलाब जल से क्या हो जाएगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, ठीक है? तो इसको 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दीजिए। लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ग्लिसरीन। आपको पता है ग्लिसरीन ना ऐसी चीज है, मैंने जले इंसान को भी ठीक किया है सच में। मेरे घर के मेरे दीदी के हस्बैंड यानी मेरे जीजा जी पूरा बर्न हो गए थे कुछ एक्सीडेंट में, तो मैंने उनको बोला था कि आपने सिर्फ ग्लिसरीन लगाना है अपने जले पार्ट पे। वो डेली ग्लिसरीन लगाते थे और आज ही इज एब्सोल्युटली फाइन, एक भी दाग नहीं है उनके चेहरे पे, और आज भी वो मुझे थैंक यू कहते नहीं थकते। डॉक्टर इतना शौक थे कि क्या चीज लगा रहे हो जो पट्टियों के चलते ही आपके बिल्कुल ही मार्क भी जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया था, मेरी साली ने बताया है कि ग्लिसरीन लगाना है। कह रहा बहुत बढ़िया, हम भी अपने पेशेंट को यही बताएंगे। तो ग्लिसरीन आपने अच्छी कंपनी की लेनी है, इतना पावरफुल पैक बना है। आधा चम्मच ग्लिसरीन डाल दीजिए और अच्छे से डिल्यूट करना है, अच्छे से हर चीज मिक्स होनी चाहिए। ये पैक को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा, बाथरूम में रखिए। पर आपने मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल ही क्रश करके डालनी है, चूरा मतलब इसका डालना है, और आपने जब इसको ऐड करना है रोज वाटर या आप इसको मिल्क के साथ दही के साथ इस पैक को भी आप लगा सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए ये पैक मैं लगाऊंगी। ये ऐसा पैक है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं सोच रही हूँ कि बच गया है इसको फेस पे भी लगा लिया जाए, क्योंकि फेस भी बहुत कहते हैं ना चमक उठता है। तो मैंने फेस जस्ट वॉश किया था वीडियो बनाने से पहले, और कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, ना कोई मॉइस्चराइजर था मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ अब मुझे नहाने ही जाना है, तो मैं अच्छे से इसको अपनी बॉडी पे लगा लूँ ताकि पूरी बॉडी यू नो चमक जाए। तो आपने इस पैक को अच्छे से लगाना है।
10 मिनट के लिए स्पैक को लगे रहने देंगे। इस पैक को कम से कम 10 मिनट रहने दिया है और रिजल्ट देखिए गाइस, ओ माय गॉड, एक ही बारी में आपके 99% तक क्लीन हो जाएंगे अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट। फेस को मैं सोच रही हूँ अब नहाऊंगी तो अच्छे से धो लूंगी, बट आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाइव वाला कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी विद 100% रिजल्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, करके जाओ, मैंने बहुत मेहनत करी है।